सुप्रभात, आप देख रहे हैं HCN न्यूज़। देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरों के साथ मैं हूं अनुष्ठा सिंह। तो आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी 20 खबरों पर। DRDO की ओर से विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी हुई है। जारी नोटिफिकेशन के अनुसार कंप्यूटर ऑपरेटर और प्रोग्रामिंग ऑफिस असिस्टेंट समेत कई पदों पर भर्तियां की जाएंगी। ऐसे में जो उम्मीदवार इन पदों पर आवेदन करना चाहते हैं वो ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। CBSE 12वीं बोर्ड एग्जाम केवल मेजर सब्जेक्ट के हो पाएंगे। कोरोना की वजह से जो एग्जाम नहीं दे पाएंगे उन्हें दूसरा मौका दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश में 31 मई तक बढ़ाया गया लॉकडाउन, सिर्फ जरूरी सेवाएं रहेंगी जारी। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह को नवजोत सिंह सिद्धू की चुनौती, बोले दल बदल के आरोप को साबित करके दिखाएं। केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार देश में कोरोना से ठीक हुए 2,30,00,000 से ज्यादा मरीज, 10 राज्यों में 78% नए मामले। लालू यादव को DLF रिश्वत मामले में मिली बड़ी राहत, जांच के बाद CBI ने दी क्लीन चिट। कोरोना वायरस थर्ड वेव से निपटने के लिए योगी सरकार ने कसी कमर, 10 साल से कम उम्र के बच्चों के परिजनों का जल्द होगा वैक्सीनेशन। बिहार में भी ब्लैक फंगस को घोषित किया गया महामारी, अब राज्य के सभी सरकारी अस्पताल में होगा मरीजों का इलाज। कोरोना की वैक्सीन नहीं और सबसे कम GDP, क्या केंद्र सरकार देगी जवाब, पीएम मोदी पर तंज कसते हुए बोले राहुल गांधी। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह को हाईकोर्ट से राहत, ACB में भी दर्ज की गई शिकायत। राजस्थान में 31 मई तक बढ़ाया जा सकता है लॉकडाउन, कोरोना संक्रमित कम हुए लेकिन ब्लैक फंगस के मरीज बढ़े। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की केंद्र से मांग, बढ़ाए जाए युवाओं की वैक्सीन का कोटा, टीके की कमी की वजह से बंद हुए सेंटर्स। ब्लैक फंगस पर डॉक्टर्स की सलाह, इन्फेक्शन मुंह में हो या नाक में, इंजेक्शन की जरूरत नहीं, उसका इलाज एंटी फंगल दवा से भी किया जा सकता है। राजस्थान में कोरोना से रिकवर हुए मरीजों में ब्लैक फंगस के लक्षणों की पहचान के लिए घर घर किए जाएंगे सर्वे। सिंगर श्रेया घोषाल ने दिया बेटे को जन्म, शादी के 6 साल बाद बनी माँ, खुशखबरी साझा करते हुए लिखा, ऐसे इमोशंस पहले कभी नहीं महसूस किए। बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा ने खत लिख बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से कहा कि केंद्र सरकार के 7 साल पूरे होने पर कोई उत्सव नहीं होगा, इस दौरान उन बच्चों के लिए व्रत कार्यक्रम करें जिन्होंने कोरोना महामारी में अपने माता पिता को खो दिया। कैनरा बैंक और SBI ने ट्वीट कर ग्राहकों को किया आगाह, आज नहीं काम करेंगे अहम सर्विस। ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों के लिए बड़ी खबर, 23 मई की रात 11:45 से रेलवे की खास सर्विस 3.5 घंटे के लिए बंद रहेगी। टीम इंडिया के कोच बनने को तैयार राहुल द्रविड़, श्रीलंका दौरे पर संभालेंगे जिम्मेदारी। राकेश टिकैत ने कहा, बातचीत के लिए हमने सरकार को लिखा खत, 26 मई को मनाएंगे काला दिवस। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए HCN न्यूज। धन्यवाद।